हाय गाइस, माय नेम इज अरसलान और बहुत से लोग मुझे सीवी के नाम से भी जानते हैं। हुआ कुछ इस तरह के मार्केट में शायद कोई एक नए प्रोडक्ट का टीवीसी आया है, जिसको देख के लोगों का सबसे पहला ख्याल सीवी के बारे में आया है और मेरा इनबॉक्स आपकी रिक्वेस्ट से ऐसे भरना शुरू हो गया जैसे मेरा दिमाग गंदे ख्यालात से भर जाता है। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसका रिव्यू कर लिया है और ये वीडियो जो है ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा उन तमाम जाबाज सिपाहियों को जिनकी वजह से आज हम ट्रेन में सफर करते हुए नहायत सेफ महसूस करते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ कोला नेक्स्ट लेटेस्ट टीवीसी। एड की शुरुआत खूबसूरत वादियों के बीच में चलती एक ट्रेन से होती है। ऐसी लोकेशंस पर अक्सर नए नवेले कपल्स शादी के बाद हलाल मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। अचानक कैमरामैन की किस्मत पर से ट्रेन गुजर जाती है और किसी गरीब मुल्क का उर्दू मीडियम मजबूर अंग्रेज अपनी कुछ पापरदा सहेलियों के साथ ट्रेन अगवा कर लेता है। ये सब देख के मेरा दिल खुशी के आंसू तब रोता है क्योंकि एक जमाना था जब गोरों की फिल्मों में ऐसी गंदी नस्ल के टेररिस्ट के रोल्स हमेशा देसीज किया करते थे। खैर, इसी पैनिक सिचुएशन में किसी न्यूली वेड कपल की कंफ्यूज जुम्बिशों के नतीजे में एजेंट नेक्स्ट का जन्म हो जाता है, जो भागते ट्रेवलर्स के बजाय विलन्स को ही हाथ कर परेशान न होने का इशारा करते हैं। इशारा देख के गोरे टेररिस्ट का वजूद चिकना चूर हो जाता है और एजेंट सब सिचुएशन को इग्नोर करके कनखियों से साइड पे पड़े फ्रिज को एक ऐसी टेक्निक से ठुट कराते हैं कि बर्फ के बीच में से कोला नेक्स्ट की बोतल मोमिन की शमशीर की तरह बाहर निकल आती है। कोला नेक्स्ट की बोतल का खुद को दुनिया के सबसे हसीन तरीन एजेंट की तरफ जाता देख के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पत्थर दिल एजेंट बोतल को एक कुंवारी मुर्गी की तरह जिबा कर देते हैं। बोतल के खत्म करने के बाद हीरो इस टेक्निक से बोतल को मुंह लगाते हैं कि एक भी कतरा उनके मुंह में ना जा पाए। एजेंट पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए बोतल ट्रेन के अंदर ही फेंक देते हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट, जो शायद किसी कारपेंटर के बड़े लड़के हैं, हैंडगन की बजाय कुल्हाड़े से हमला करने को तरजीह देते हैं। खैर, हीरो मौके का फायदा उठाकर टेररिस्ट को पीछे से पकड़ के गुनाह से भरपूर हरकत कर देते हैं और इस हराम प्यार की निशानी को मिटाने के लिए वो टेररिस्ट के पेट में पलने वाले पाप को मुक्का मारकर जाया कर देते हैं। इधर एजेंट के एक्सप्रेशन भी काबिले दाद है, जिसमें हवस से भरे इस प्यार की निशानी को नेस्तो नाबूद करने की टोटल डेडिकेशन पाई जाती है। दूसरा टेररिस्ट, जो शायद क्लिफ्टन पर पार्ट टाइम नारियल बेचता है, अपने नारियल काटने वाली छुरी से एजेंट पर हमला कर देता है। चूंकि प्रोडक्शन यूनिट के पास अल्ट्रा मोशन कैप्चर करने की फैसिलिटी थी नहीं, इसलिए वो एजेंट को स्लो मोशन शॉट के लिए मुक्का ही स्लो मोशन में मारने की सजेशन दे देते हैं। एजेंट नेक्स्ट इस दफा अपनी टांग की मदद से गोरे की अपेंडिक्स पंक्चर कर देते हैं और दूर परिस्तान से आता एक हेलीकॉप्टर में मौजूद एजेंट नेक्स्ट की जांबाज मंगेतर बगैर किसी एयर पीस के कान को दबाकर शायद अपने दिल की बात सुन रही होती है। मुंह पे सस्ता फाउंडेशन, ऊपर से तीर कमान, भाई वाह। जांबाज मंगेतर नजरों से तीर चलाकर ट्रेन में मोरी करके खुद को ट्रेन की छत पर ट्रांसफर करवा देती हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर पर बैठ के वो ट्रेन की छत पर मौजूद टेररिस्ट को गोली भी मार सकती थी, लेकिन फिर बिजली की सी तेजी से बाइक चलाने वाला पिंडी बॉय के अचानक अपने सामने स्पीड ब्रेकर को देख के परेशान होने वाले ये एक्सप्रेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता। फाइनली दुनिया का एक पढ़ा लिखा टेररिस्ट टीटी पिस्तौल से हमला कर देता है, लेकिन लीथल पिंडी गर्ल गोरे को अपनी रानों के बीच में मसल के जीएफसी फैन बन जाती है। यहाँ एक ऑनरेबल मेंशन इस वीडियो के प्राइम स्पॉन्सर और हम सबके दिल पसंद जीएफसी फैन का भी होना चाहिए, जिनके बारे में मिसबा भाई ने क्या खूब फरमाया। अपने पंखों को ऐसी हवा लगने दो ताकि ना कोई तुम्हें हरा सके ना उड़ा सके। भाई वाह। खैर, कमिंग बैक टू द रिव्यू, विलन इस वक्त अपने हवास पूरी तरह से खोकर ट्रेन की ब्रेक्स को एक कच्ची मूली की तरह तोड़ देते हैं। एजेंट नेक्स्ट ट्रेन से शॉपर बायर फेंकने के लिए दरवाजा खोलते ही कि अचानक जांबाज मंगेतर बिजली की बिल की तरह अंदर आ जाती हैं। परेशान हीरो अपनी जांबाज टबीली को देखकर उनको बताते हैं कि उनकी टाइमिंग नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि एड के स्क्रिप्ट में नेक्स्ट लेवल जितना इस्तेमाल होगा उतना ही बेहतर है। इसी लॉजिक को लेकर अगर क्रिएटर्स किसी डॉक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते तो हर पेशेंट को ट्रीट करने के बाद वो ब्रांड की मुफ्त प्रमोशन कर देता। नेक्स्ट विलन, जो अपना यूजलेस प्लान पूरा कर चुका है, ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज लेने वाले बच्चे की प्राउड मां की तरह खड़ा एजेंट्स को लुक्स कराता नजर आता है, पर एजेंट नेक्स्ट विलन की पुश पर पांव रखकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठा लेता है और दोनों एजेंट्स बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हुए विलन को बस्ता पहनाने में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि विलन को सिंपल केक मार्केट ट्रेन से बाहर फेंकने से विलन की फीलिंग्स हर्ट हो सकती थी, इसलिए पैराशूट की मदद से जीनियस प्लान के मुताबिक खातून एजेंट गंभीरी खा के विलन को ट्रेन से बाहर गीले जांघिए की तरह लटका देती हैं। अरे, ये तो पैराशूट भी नेक्स्ट लेवल का है। हीरो खाली ट्रेन को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है और उनकी मंगेतर अपनी जेब से कोला नेक्स्ट की एक और बोतल निकालकर हीरो को ये जिम्मेदारी सौंप देती हैं। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी नेक्स्ट कोला की बोतल से कंट्रोल हो सकती है, ये बात आज तक सिर्फ जापानी साइंटिस्ट को ही पता थी, लेकिन एजेंट नेक्स्ट बोतल को अपने हाथों से महसूस करके ये सब साइंस अनलॉक कर देते हैं और ब्रेक्स लगाने के लिए बोतल को ट्रेन के एक ऐसे मखसूस हिस्से में घुसा देते हैं कि ट्रेन की चीखें निकल जाती हैं और वो मंजिले मकसूद से पूरे 3 इंच के फासले पर रुक जाती है। Guys, I hope you liked the video. If you did, please do like, share and comment. If you're watching this on YouTube, please do subscribe to my YouTube channel as well. Also, a special message for my fans in Karachi.
जैज सुपर 4G जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे तेज तरीन 4G नेटवर्क है, उनका एक कैरावन 25 से 27 अप्रैल तक कराची में डिफरेंट लोकेशंस विजिट करेगा। अगर आपको वो मिले तो आप उसके साथ एक सेल्फी खींचकर इस हैशटैग के साथ अपलोड करें और सिर्फ इतना सा करने पर आपको मिलेंगे 2 free passes टू अ वेरी वेरी कूल कॉन्सर्ट। That's it for today. I look forward to see you in the next video.